हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ पे। और आज हम सीखेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट के लिए कैसे बनाना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है उसमें है आपके पास अच्छी डिग्रेडेड गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं चाहे तो। ये गोबर की खाद है, गाय के गोबर की खाद है, अच्छी तरीके से डिग्रेडेड है, इसमें कोई हीट नहीं है। आप देखें, अगर जहाँ से भी आप लाते हो अगर उसको छू करके देखें, अगर उसमें मॉइस्चर कम है और हीट ज़्यादा है तो ऐसी खाद उपयुक्त नहीं होती है। ठीक से अगर डिग्रेडेड है तो ज़्यादा अच्छी है, तो उस खाद का आप इस्तेमाल अवश्य करें उसमें। तो आपको पहले चाहिए कि आप गोबर की खाद ले लें, साथ में आप DAP ले लें। और DAP लेने के साथ ही आपको इस तरीके के एक मग की आवश्यकता पड़ेगी, एक लगभग 1 लीटर का है मेजरमेंट करने के लिए। और बकेट चाहिए आपको, चाहे आप 20 लीटर की इस तरह की बकेट ले लें, ये 20 लीटर की बकेट में मैंने बनाया है, या आप ऐसे 10 लीटर का बकेट भी ले सकते हैं। अब मेजरमेंट की तौर की बात कर लेते हैं कि इस पर कितना कितना चाहिए। तो अगर आप 10 लीटर बना रहे हैं इस तरीके की बकेट में, तो आपको करीब करीब इसमें 1 केजी या मान के चलिए 750 ग्राम आपको ये ले लेना है। तो आप मुट्ठी से भी मेजर कर सकते हैं या किसी चीज में नाप करके भी मेजर कर सकते हैं। मैं तो इसी मग से नाप लेता हूँ। अगर मुझे 10 लीटर के लिए बनाना है तो करीब करीब ये मैं 5 मग ले लेता हूँ। 5 मग कंपोस्ट लेने के बाद इसको मैं भिगो देता हूँ। और भिगोने के बाद उसमें आप 20 ग्राम DAP डाल दीजिए। 20 ग्राम DAP डालने के बाद आप इसको किसी लकड़ी के लट्ठे से आप इसको घुमा दीजिए अच्छे से, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा सुबह और शाम को 2-2 बार कर देना है। 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए और गर्मियों में आपका ये 3 से 4 दिन में ही तैयार हो जाएगा। जाड़ों में अधिक समय लेता है, हालांकि जाड़ों में इतनी लिक्विड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वहाँ पर हम मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र बना लेते हैं लिक्विड। गर्मियों में अधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें हीट नहीं होती है, पौधों को जलने के लिए इसमें कुछ भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो पौधों को जला दे, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें पोटाश है, पोटेशियम है, और इसमें फॉस्फेट भी है मात्रा में। इसके साथ साथ इसमें, क्योंकि कंपोस्ट आपने इसको भिगोया है तो ये डिकम्पोज हो जाने के बाद इसमें ह्यूमिक एसिड भी अच्छी मात्रा में रहता है। तो आप देखें इस तरह का एकदम टी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप, एकदम टी सॉल्यूशन है ये, चाय जैसा दिखने वाला। ये सॉल्यूशन आपके पौधों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। परंतु आपने जैसे 10 लीटर इसको बनाया है तो इसी तरीके से निकाल करके पौधों में नहीं डालना है। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसको गर्मियों में यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा रेशियो है 70-30 का रेशियो। 70-30 का रेशियो कहने का मतलब है कि 70% पानी और 30% आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होना चाहिए। अथवा यदि आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं तो होगा ये कि आप पौधों को दे देंगे, जैसे आपने सुबह में दे दिया और फिर दिन में सनलाइट पड़ेगी तो इसकी रूट को कंसंट्रेट कर देगा ये, उसके रूट्स डैमेज होने लगेंगी, पत्तियां जल सकती हैं, तो हार्म कर सकता है क्योंकि हमने इसमें DAP और कंपोस्ट लिया है अच्छे से मात्रा में। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब इसको आपको पौधों को देना हो, अपने फ्लावरिंग प्लांट को देना चाहें, तो आप इसे डाइल्यूट अवश्य कर लीजिए। डाइल्यूट करने में जैसे हमने देखिए यहाँ पे 70% वाटर लिया है, ये करीब इसमें 7 मग पानी है, तो इस 7 मग के पानी के साथ हम इसमें 3 मग, ये 1 और ये 2 और ये 3, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। अब इसको हम घोल करके अपने पौधों में दे सकते हैं। इस तरीके से इसे मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप अपने पौधों में डाल दीजिए। पौधों में डालेंगे आपको रिजल्ट्स 15 दिन में ही मिल जाएंगे। ये कनेर का पौधा है, इसमें भी मैं दे देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर गुलाब का पौधा लगा है, इस गुलाब के पौधे में भी 1 मग ऐसे इस प्रकार से दे देता हूँ। इसे ड्रेन हो जाने दें आप अच्छे से, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए पौधों का। बॉटल ब्रश में दे दीजिए आप इस प्रकार से। बोगनविलिया को आपको देना हो तो आप बोगनविलिया में भी इस प्रकार से इसको छोड़ सकते हैं। देखिए बोगनविलिया के साथ मैंने रजनीगंधा लगाया है, अब ये सॉल्यूशन जो है रजनीगंधा में भी काम कर जाएगा। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर सभी प्रकार की बेलों के लिए मैंने इसमें डाला है,
ये ट्रम्पेट क्रीपर है, इसमें मैंने डाल दिया क्रीपर वाइन में भी, इस बोगनविलिया में दे दिया था कल। यहाँ देखिए जीनिया लगे हैं, जीनिया में भी मैंने यही सॉल्यूशन डाला है, जीनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, जब फ्लावरिंग आ जाएगी तो मैं बताऊंगा। अब यूफोरिया मिली है, उसमें भी यही सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं। चांदनी का डबल पेटल है, ये सॉल्यूशन सभी में काम कर जाता है। देखिए कनेर में भी यही सॉल्यूशन मैं डालता हूँ और मुझे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे। और बोगनविलिया में इस तरह से यूज करता हूँ। तो आप लोग भी अवश्य इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करें दोस्तों। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में इसे अवश्य शेयर करें एंड गार्डनिंग करते रहें। लॉकडाउन में पर्यावरण को बचाते रहें, यदि हम प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।